शासन के निर्देश पर 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। 13 जुलाई को सुबह 5 बजे लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन के संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार कुछ आवश्यक सेवाएं और मेडिकल सेवाओं को छूट दी गई है, जो खुला रहेगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता से अपील है कि सरकार ने सोच समझकर लॉकडाउन किया है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस 2 दिन के लॉकडाउन में पूरे शहर की साफ सफाई और सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में हॉटस्पॉट की संख्या 150 हो गई है। लोगों का सैंपल भी लिया जा रहा है। इसके लिए 1000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब उस 1000 में कितने पॉजिटिव व्यक्ति आ रहे हैं, उन लोगों को अलग रखा जाएगा। जनता के सहयोग से संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने बताया कि महानगर के 3 थाना क्षेत्र राजघाट, तिवारीपुर और कोतवाली में 4 दिन और लॉकडाउन रहेगा, जो कि कुल 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों थाना क्षेत्रों में लगभग कोरोना के 50 से 60 की संख्या है। इन 4 दिनों के अंदर उनसे संबंधित सभी व्यक्तियों का सैंपल टेस्ट कराया जाएगा और साफ सफाई और सैनिटाइज कराया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में उस क्षेत्र में और कोई पॉजिटिव मरीज ना निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेयन ने बताया, बेवजह बाहर ना निकले अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के नियमों का सभी लोग पालन करिए, बेवजह बाहर ना निकले अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल क्लब ने कैंप लगाया है, वो कल रात से कर्फ्यू हो जाए, परसों सुबह 5 बजे से कर्फ्यू हो जाए। आज आप लोग अपील करते थोड़ा अच्छा चलता है। देखिए, वैसे शासन ने निर्देश दिया है, आप जानते हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबको बहुत डिटेल में मीटिंग लिए थे, वीसी लिए थे कल रात को। कल रात 10 बजे से हम लोग प्रारंभ कर दिए, आज पूरा बंद रहेगा और परसों भी बंद रहेगा, और 13 तारीख को सवेरे 5 बजे हम खोल देंगे। वैसे तो सरकार ने जो कुछ सेक्टर इंकित किए हैं, वैसे इमरजेंसी सेवाएँ हैं और मेडिकल सेवाएँ हैं, ये सारे खुला रहेगा। और किसी के भी कोई परेशानी हो तो हमारा कंट्रोल रूम में पुलिस लाइन है, सभी लोग से संपर्क कर सकते हैं, उनका सहयोग मिलेगा। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है, ताकि ये कहीं कहीं क्लस्टर में इसका प्रकोप बढ़ती जा रही है, और 1-2 दिन हम रुक जाएंगे, इससे सफाई भी बढ़िया से हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुबह से मेरा टीम सफाई में लगे हुए हैं, और कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट है, यहाँ करीब 150 हॉटस्पॉट बन गया गोरखपुर में, उस पर सैंपल भी बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। आज तो 1000 सैंपल लेने के लिए हम लोग लक्ष्य फिक्स किए थे, 1000 में कितने पॉजिटिव आए उसको छटवा करके हम अलग रख लेंगे, बाकी जनता की कोई परेशानी नहीं हो जाएगा। अब जनता कितने साथ देगा, उतने हम लोग ये बीमारी के ऊपर काबू कर पाएंगे। हम ये 3 थाना क्षेत्र में तो और 4 दिन एक्सटेंड करेंगे, वैसे तो 7 दिन का हम लोग का 3 थाना क्षेत्र का लॉकडाउन एक्सटेंड करा रहे हैं। एक तिवारीपुर थाना क्षेत्र है, राजघाट का है और कोतवाली का है, ताकि यहाँ तकरीबन अब तक 50-60 केस हो गए, क्लस्टर में निकल रहा है, यानी एक ही गली में तो 10 केस 15 केस ऐसे निकल रहा है। वैसे भी आ रहा तो एक तो चन्ना बांटने वाले, तो उनने बांटा है, तो चन्ना बांटने वाले भी वो चपेट में आ गया है, चन्ना खाने वाले भी आ गए, उसी टाइप का हो रहा था उस क्लस्टर। वो हम लोग पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा दिया, एक भी हम कॉन्टैक्ट छोड़ने नहीं चाहते हैं, इसलिए हम तो और 4 दिन वो ज़रूर जनता कुछ परेशानी हो सकता है, बट 4 दिन उसी इलाका में और भी सैंपल चेक करा के सफाई हो जाएगा, वो तो फिर तसल्ली हो जाएंगे, उनको ऊपर कोई परेशानी नहीं होगा, भविष्य में वो केस नहीं निकलेगा। इसलिए हम तो वो 3 थाना क्षेत्र आपको बताया, उसका आगे 4 दिन और जारी रखेंगे।